देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हाँ सर, बोलिए। बांध के 3 स्टेप हैं। नंबर 1, हमें बस को किसी ऐसे एरिया में लेकर जाना होगा जहाँ पर किसी और की जान को खतरा ना हो। स्टेप नंबर 2, इसके लिए हमने एक एक्सपर्ट ड्राइवर को भी बुलाया हुआ है। प्लान ये है कि वो एक्सपर्ट ड्राइवर बस के साथ साथ एक ट्रॉलर चलाएगा। दोनों गाड़ियाँ एक ही स्पीड में साथ साथ चलेंगी। नाउ स्टेप नंबर 3, हम इन दोनों गाड़ियों के बीच में एक रेस्क्यू ब्रिज बनाकर बस में से बच्चों को ट्रॉलर में शिफ्ट करेंगे। एक आखिरी बात मोहन जी, जिसमें बहुत बड़ा रिस्क है। कैसा रिस्क? हम सबको तो बचा लेंगे लेकिन ड्राइवर। मैडम, आपने मुझे बताने क्यों नहीं दिया कि ड्राइवर को बचाने का कोई तरीका नहीं है? इस मिशन में राधा जी की जान जा सकती है। आपने मोहन जी को मुझे बताने क्यों नहीं दिया? एक की जान बचाने के चक्कर में 20 से ज्यादा लोगों की जान हम ऐसे ही खतरे में डाल दें। आपके पास कोई और प्लान है? नहीं। देखिए सर, राधा मेरी बहन जैसी, उसकी फिक्र सबसे ज्यादा मुझे ही होती, लेकिन मैं ये भी नहीं भूल सकती कि उसी बस में मेरी बेटी भी है। अब मुझे ये नहीं पता है कि मेरे अंदर की माँ सही है या मेरे अंदर की बहन, लेकिन मुझे एक बात जरूर पता है कि मैं उन सारी माओं का भरोसा नहीं तोड़ सकती जिनके बच्चे अभी भी उस बस में फंसे हुए हैं। अगर हमने राधा और मोहन को बता दिया कि शायद हम राधा को नहीं बचा पाएंगे, तो उनकी हिम्मत टूट सकती है। देखिए, आप ना बच्चों को बचाने का तरीका ढूंढिए और आप टेंशन मत लीजिए, राधा की जिम्मेदारी मेरी, आई प्रॉमिस। मोहन, तुम्हारी राधा तो अब गई, अब तो उसे बांके बिहारी जी भी नहीं बचा पाएंगे। क्यों मेरे साथ ऐसी ना इंसाफी करते हो बांके बिहारी जी? जब मैं जिंदा थी तब भी आपने मेरे साथ ऐसी ना इंसाफी की। मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई, लेकिन आपकी ना इंसाफी अभी तक खत्म नहीं हुई। हाँ, मैं तो सिर्फ इतना ही चाहती थी कि मैं अपने परिवार की रक्षा कर सकूं, लेकिन आपने वो नहीं करने दिया। जीना चाहती थी मैं, लेकिन आपने जीने नहीं दिया। अपनी बच्ची और अपने पति के साथ रहना चाहती थी, लेकिन आपने वो भी नहीं करने दिया। लेकिन ठीक है, आपकी आपकी सारी नाइंसाफी ठीक है, आपकी नाइंसाफी मेरे सर माथे पर, लेकिन आप आज जो कुछ भी कर रहे हो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तो वापस इसलिए आई हूँ ताकि मैं अपने परिवार की रक्षा कर सकूं, लेकिन आप मुझे वो भी नहीं करने दे रहे। वो धागा उस चौकर से नहीं बल्कि मेरे हाथ पाँव से बंधा हुआ है। कुछ नहीं कर सकती मैं, कुछ भी नहीं। और अगर आपको मुझे इतना ही फेमस बनाना था तो उसके साथ कठोर भी बना देना, ताकि जो कुछ हो रहा है वो सब देखने के बाद मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों ऐसा बनाया आपने मुझे? आप इस दुनिया में मुझे वापस क्यों लेकर आए? बोलिए ना, क्यों लेकर आए मुझे आप? अगर आप चाहते हैं कि मैं मेरे परिवार की रक्षा करूं, तो आप मुझे शक्ति दीजिए। राधा, तुम टेंशन मत लो, मैं दामिनी को फिर फोन करता हूं ना कोई तरीका होगा, हम सबको सेफली बाहर निकाल लेंगे। हाँ मोहन। हेलो दामिनी। हाँ, वो ऑफिसर रिस्क के बारे में बता रहा था। कैसा रिस्क? ऑफिसर ने यही कहा कि पहले हम ये 3 स्टेप्स पे फोकस करते हैं, उसके बाद हम बात का देखेंगे। हाँ, अरे पर वो मोहन, बच्चों को बचाना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि नहीं? राधा, तुम सुन रही हो ना मेरी बात? हाँ दामिनी दीदी, सुन रहे हैं। देखो राधा, तुम जो कर रही हो ना वो कोई और कभी भी नहीं कर सकता, तो प्लीज तुम हिम्मत मत हारना, बस थोड़ी देर हो। थोड़ी देर में हम सारे बच्चों को बचा लेंगे और उसके बाद तुम्हें भी। हाँ मोहन, तुम राधा की बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब मिलके उसे बचा लेंगे। एक्सपर्ट ड्राइवर इसीलिए आ रहा है। ओके, कुछ नहीं होगा राधा, हम बस साथ में चल रहे हैं ना। जानते आप एक
एक माँ के लिए अपने अपने बच्चे को खतरे में देखना एक मौत से भी बढ़कर मौत है। अरे बिहारी जी, एक मरी हुई माँ को और मत मारो, मत मारो। बाकी बिहारी जी, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं मेरे पूरे परिवार को बचा सकूं। और अगर मैं ऐसा नहीं कर सकती तो कम से कम राधा को शक्ति दीजिए ताकि वो गुनगुन केत की और सारे बच्चों को बचा सके। वो बच्चे तो मासूम है ना माँ के बिहारी जी, उन्होंने तो अभी तक जिंदगी भी नहीं देखी। जो कुछ मेरे साथ हुआ प्लीज उनके साथ मत होने देना माँ के बिहारी जी, मत होने देना, प्लीज उनको बचा लेना, प्लीज राधा को शक्ति दे दो बाकी बिहारी जी, प्लीज। चाहे हम बचे या ना बचे, इस बस में बैठे एक भी बच्चे को, ड्राइवर काका जी को, केत की जीजी को, किसी को भी एक खरोच तक नहीं आने देंगे। शपथ है हमें आपकी बाकी बिहारी जी। और इस महाभारत में आप ही हमारे सारथी हैं और सहारा भी। राधा आगे देखो, पुलिस वाले बच्चे और राधा को जानबूझ के मारने की कोशिश कर रहे हैं क्या? इन्होंने अभी तक रास्ते खाली क्यों नहीं करवाए? आप बहुत हिम्मती हैं। आप अपनों की जान छोड़कर दूसरों की जिंदगी बचाना चाहती हैं। आसान नहीं होता है अपनों की जान के बदले किसी दूसरे की जान को चुनना। ग्रेट, यू आर रियली ग्रेट। राधा को अगर कुछ हो गया ना तो मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मेरे एक फैसले के वजह से अगर उन बच्चों में से किसी को कुछ हो गया तो उस बोझ के साथ मैं जी भी नहीं पाऊंगी सा। और मैंने तो हमेशा से यही सीखा है कि अपनों से ज्यादा दूसरों का भला करना चाहिए। पहले ना हम बच्चों को बाहर निकालते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। ओके। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार एवीआर इंटरनेशनल स्कूल की बस हाईजैक कर ली गई है। इस हाईजैक के पीछे किडनैपर को अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। इस बस में बच्चों को इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन के लिए लेकर जाया जा रहा था। इस बस में बैठे 200 बच्चों की जान खतरे में है। एवीआर इंटरनेशनल स्कूल बस हाईजैकिंग केस में एक नई खबर ये भी आ रही है कि त्रिवेदी परिवार से ही किसी की आपसी रंजिश की वजह से इस बस को हाईजैक कर लिया गया है। और सोर्सेस की माने तो बड़ी और नई खबर ये भी है कि इस बस की चालक अब राधा है। ये लड़की हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे और कोई नहीं बल्कि वही लड़की है जिसने अभी कुछ ही महीनों पहले मोहन त्रिवेदी की बेटी गुनगुन त्रिवेदी को बोरवेल से जिंदा बाहर निकाला था। राधा बस चला रही, पर वहाँ हो क्या रहा है? हेलो, बॉम्ब लगाया है, फूल छोड़ी, फट क्यों नहीं रहा है? फट जाएगा मैडम, इस बार काम पूरा पक्का है। आज तो बस ब्लास्ट होके ही रहेगी। तुम शहर से निकल गए हो ना? बस निकल ही रहा हूँ। बस निकल ही रहे हो? माँ के आशीर्वाद का वेट कर रहे हो क्या? जल्दी निकलो यहाँ से। दामिनी, कहीं कद्दू ने मेरी बात तो नहीं सुन ली? मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। किसे भेजने की इतनी जल्दी है? माँ वो तो बोलो, इतनी जल्दी भी क्या है और किसे भेजना है?
राधा हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हारे साथ हूं। बोलो दामिनी, किसे भेजना है? दो ही महीने में यह दूसरा मामला है जो त्रिवेदी परिवार पर मुसीबत बन के गिरा है। गुनगुन त्रिवेदी जहां भी जाती हैं, मुसीबत उनके पीछे पीछे पहुंच जाती है। तो क्या ये मान लिया जाए कि त्रिवेदी परिवार के लिए गुनगुन त्रिवेदी अशुभ साया है? क्या उन्हीं की वजह से आज इतने सारे बच्चे मौत के मुंह में हैं? एक मिनट, एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? शर्म नहीं आती आपको? एक छोटी सी बच्ची को आप शगुन कहते हैं? आप अपने न्यूज को सनसनीखेज बनाने के लिए आप लोग कुछ भी बोलते चले जाएंगे? और आप लोगों को नहीं पता, छोटी सी बच्ची हमारी पोती है, कादंबरी देवी की। उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? मम्मा, आपका कमाल दिखाने का वक्त ना अब आ गया है। आप ना उन्हें हैंडल करो, मैं मोहन को हैंडल करती हूँ। ची 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 ची! अरे 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 अरे! आप लोगों के मुंह में तो कीड़े पड़े। अरे शर्म नहीं आती हमारी पूरी सी बिटिया को ऐसे कैसे कह रहे हो? अरे सत्यानाश हो आप लोगों का! हम है ना निर्दोष विधवा है, श्राप दे देंगे आप लोगों को, आप सबकी नौकरियां चली जाएगी। ये सही है, इससे पहले कि कद्दू को मुझ पर शक हो जाए उसे इसी प्रॉब्लम में फंसा कर रखना होगा। बस एक बार राधा और गुनगुन मर जाए फिर ये मुझ पर शक करे या यकीन, मैं सब हैंडल कर लूं। देखिए ये है इस परिवार की असलियत, किस तरह पत्रकार से बदतमीजी और हाथापाई की जा रही है। दूसरों का ही तो मैं पहले सोच रही हूँ कि कैसे उन्हें अपने रास्ते से हटाऊं। हे बाके बिहारी जी, मदद कीजिए मेरी। माँ, आप यहाँ? हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी दामिनी। मैं कुछ समझी नहीं। हम अच्छी तरह से समझ गए हैं कि तुम्हारा प्लान क्या है। राधा, राधा मेरी बात सुनो। राधा, प्लान ये है कि हमें गाड़ी को ऐसी जगह ले जानी है जहां भीड़ ना हो, उसके बाद हम राधा, वो राधा प्लीज रोना बंद कर दो। राधा, मैं जानता हूं तुम डरी हुई हो राधा, लेकिन मेरी बात मानो, हमने सबको बचाने का प्लान बना लिया है। मोहन जी, प्लान तो आपने बना लिया है, लेकिन अगर हम उस प्लान पे खरे नहीं उतर पाए तो? हमने ना कभी इतनी देर तक गाड़ी नहीं चलाई है। किसी गलती की वजह से इतने सारे बच्चों को कोई खतरा हो गया तो क्या करेंगे? कोई, राधा कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं होगा, ठीक है?
अच्छा राधा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें तुम्हें याद है जब जब बाके बिहारी जी ने इंद्र भगवान और ब्रज के लोगों के बीच में लड़ाई करवाई थी, याद है? अरे मोहन जी, बाके बिहारी जी ने लड़ाई नहीं करवाई थी, क्या बोल रहे हैं आप? बाके बिहारी जी, मोहन जी को माफ कर दीजिएगा। मोहन जी, बाके बिहारी जी ने ब्रज के लोगों को समझाया था कि वर्षा गोवर्धन पर्वत के वजह से होती है, तो उन्हें गोवर्धन पर्वत की ही पूजा करनी चाहिए। तभी तो इंद्रदेव को गुस्सा आया था ना, और उन्होंने जोर से बारिश कर दी थी। हाँ। तब ब्रिज के लोग डर गए थे कि नहीं? हाँ। तब देखो राधा, जिस तरह बाके बिहारी जी ने एक उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठाकर सबकी रक्षा की थी ना, तुम्हें भी बस अपनी उंगलियों से स्टीयरिंग को संभालना है राधा, ठीक है? कुछ नहीं होगा किसी को राधा। ठीक है मोहन जी। मर जाएंगे पर किसी भी बच्चे को कुछ भी नहीं होने देंगे। कहाँ से आई है? तुम मरने की बात क्यों करती हो यार राधा? कोई नहीं मरने वाला आज, ठीक है? जी मोहन जी। हे बाके बिहारी जी, मेरे सामने मेरी बच्ची खतरे में है, कितने माओ की बच्चियां खतरे में है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। आपने मुझे इतना लाचार क्यों बनाया? क्यों इतना बेबस बनाया आपने मुझे? प्लान? कौन सा प्लान माँ? बेवकूफ समझती हो हमें? बेवकूफ दिखते हैं हम तुम्हें। सच सच बताओ दामिनी, वाकई में तुमने सुना नहीं था जब मोहन ने कहा था कि बैरिकेडिंग मत करो? या तुमने जानबूझकर शेखर को जाकर नहीं बताया था? ओ, मैं फालतू का ही डर रही थी, लगता है माँ ने मेरी बात ही नहीं सुनी। माँ, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? सोच सकते हैं क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि तुम राधा और गुनगुन से कितनी नफरत करती हो। साफ दिखाई देती है तुम्हारी नफरत। माँ, आप एक सब क्या बोल रही हैं? मैं ऐसा बस एक बार हमारी गुनगुन वापस आ जाए सही सलामत, फिर हम मोहन को सारा सच बता देंगे। कौन सा सच माँ? यही सच कि तुमने हमें धमकाया था, यही सच कि राधा उससे प्यार करती है। उसके बाद पता नहीं और कौन कौन से सच सामने आएंगे, फिर मोहन तय करेगा कि उसे क्या करना है। ये उसका फैसला होगा कि उसके लिए कौन गलत है और गुनगुन के लिए कौन सही। लो, एक दुश्मन खत्म नहीं होता कि यहां पे दूसरा खड़ा हो जाता। अब क्या करूं, इन्हें कैसे रोकूं? सारे पाप कर ही लिए तो एक और सही, और आज वैसे भी इतने सारे बच्चे मरेंगे, गुनगुन मरेगी, राधा मरेगी, केतकी मरेगी, एक मौत और सही। इससे पहले कि आप मेरे सपनों को जमीन पर फेंक दो ना कद्दू माता, मैं आपको ही फेंक देती। वैसे भी बेचारी तुलसी अकेली भटकती रहती है, उसे कंपनी में मिल जाएगी। अब मुझे नहीं पता कि मोहन अपनी जिंदगी का फैसला कर पाएगा कि नहीं, लेकिन मैंने आपकी जिंदगी का फैसला कर लिया। कब तू मौत हो, मौत पहाड़ की चोटी से गिर के, दर्दनाक भयानक मौत। आप प्लान कर ही लिए, उसे एग्जीक्यूट भी कर लो।
दामिनी पागल हो गई हो क्या? ये क्या पागलपन है? तुम्हारी हंसी बता रही है कि तुम्हारे इरादे ठीक नहीं हैं। आप जानना चाहती थी ना माँ कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? चलिए आपको बताती हूँ।